Hey guys, welcome back to Vicky Vlogs. I'm Vicky and today's video is about Aprilia. मेरे पास ये Aprilia है वैभव की, इसका आपने सर्विस वीडियो देखा होगा। फिलहाल इसके हुए हैं तकरीबन 12,744 किलोमीटर और हाँ शाम के हो रहे हैं 7:50। अब इसमें एक इशू आ रहा है गाड़ी में। अब इशू ये है कि जब अगर गाड़ी चल रही है धीरे धीरे तो खटखट आवाज़ आ रही है। तो आपको अच्छे से अगर मैं एंगल दिखा दूं तो खटखट आवाज़ आ रही है। शायद आवाज़ को क्लियर नहीं सुन पाऊंगा, बट आई कैन फील इट। देर इज़ नो नॉइज़ एज सच, आइडल में तो नॉइज़ नहीं आ रही है, पर मैं ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ओनली लिटिल बिट, यू नो लिटिल बिट। आई कैन फील देर इज़ समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग एन हर्डल। दूसरा बात यह है कि जब मैं गाड़ी को 15-20 की स्पीड पे पिकअप ले रहा हूँ स्टॉप एंड गो में, तब पूरा वाइब्रेट कर रहा है। तो ये इशू आ रहा है इसमें। तो मुझे इनिशियल लगा शायद व्हील बैरिंग का होगा, बट व्हील बैरिंग का इशू आता है जब आप साइड से आप गाड़ी हिलाते हो, यू नो, इस व्हील को हिलाते हो इस तरह से। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये ऊपर नीचे में इशू आ रहा है। सो इट हैज़ टू डू समथिंग विद दी क्लच, और क्लच में हो सकता है कि कुछ धूल मिट्टी आ गई हो। तो अभी हम दिखाएंगे। मेरे वाले गैराज पे ही आए हैं, भाई गए हैं गाड़ी डिलीवर करने के लिए। अब वो आते हैं तो इसका काम हम स्टार्ट करते हैं। जब तक बड़े भाई आ रहे हैं हम लोग क्लच खोल के लेंगे। ये भी खोलना पड़ेगा लाइट। बगैर नहीं निकलेगा वो। खोलना थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी रखना पड़ेगा। सीधे आप मैकेनिक के ऊपर टोटली डिपेंड नहीं रह सकते कि कुछ काम होते हैं, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि कुछ काम होते हैं वो सर्विस सेंटर में कराने चाहिए और कुछ काम होते हैं जो आप बाहर करा सकते हो, लेकिन वो काम भी कराने के पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। अदरवाइज आप टोटली डिपेंड रहोगे तो कुछ ना कुछ आपका जो है पैनल हो, चाहे इस तरह का कोई केस हो, वो 19-20 हो जाएगा और फिर खर्चा बढ़ सकता है। सो बेटर यू हैव सम नॉलेज एंड ओनली देन यू लेट समबडी एग्जीक्यूट। जब तक खाते हो तो आते हैं, तब तक हम देखेंगे क्या क्या पार्ट्स है, अपनी खुद की जनरल नॉलेज भी चेक करें, क्लच प्लेट, पैकिंग, पिस्टन, और क्या है यहाँ पे, स्पार्क प्लग है, गियर का, चेन का जो है यहाँ पे लगता है वो वाला पार्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें। यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज पार्ट्स, अदरवाइज इट्स गुड टू इंक्रीज योर नॉलेज। जैसे टायर को ऊपर नीचे आप हिलाओगे तो खटखट थोड़ा, हाँ हाँ ये रहेगा क्या? कोई गाड़ी भी जाता रहता है, कोई अच्छा रहे। और एकदम ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था 10-15 की स्पीड पे, चलाने पे ऐसा हाँ झटका दे रहा एकदम। ऐसा लगा पकड़। भाई अभी अपन गियर बॉक्स खोलेंगे तो जो गियर ऑयल है वो भी नया डालना पड़ेगा अपने को। हाँ, तो वो अपन जो डालते कैस्ट्रोल वाला वो मिलेगा? मिल जाएगा ना। का जैसे मैं लास्ट सर्विस पे ही मैंने बताया था Aprilia के, जब आप गियर ऑयल चेंज करते हो ना तो कोशिश करें जो एक्चुअल रिकमेंडेड है स्कूटर गियर ऑयल कैस्ट्रोल का वही डालें। सर्विस सेंटर वाले भी मिनरल ऑयल डाल देते हैं, जो बचा हुआ ऑयल होता है इंजन ऑयल वो डाल देते हैं, एंड देन देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और गियर ऑयल जैसे आपको 20,000 किलोमीटर पे आपको चेंज करना होता है, बट बाकी बीच में ऐसी ज़रूरत आ गई, जैसे अभी गियर खोलेंगे हम, अभी तो फिलहाल हम पीछे का ब्रेक निकाल रहे हैं ताकि एक्सेस हो जाए, व्हील निकल पाए, और उसके बाद हम लोग कैस्ट्रोल का ही गियर ऑयल डालेंगे। और जब तक ब्रेक निकल रहा है आपको मैं उस तरफ से दिखा देता हूँ कि व्हील जो है किस तरह से निकल रहा है। यहाँ से व्हील चेंज करने के टाइम पर आपको जो है साइलेंसर थोड़ा जो है टेढ़ा करना ही पड़ता है। देखिए साइलेंसर आपको थोड़ा सा निकालना ही पड़ेगा।
तब जाके व्हील निकलता है। उसके बगैर भी निकल जाएगा। उसका वायरिंग सही सही है भाई, उसका खाली खराब है। अच्छा, उस तरफ का ना। बाकी जो प्ले इसमें होता है भाई वो उतना ठीक है ना, नॉर्मल। हाँ, वो इतना रहता है। ये कितने नंबर का बोल्ट है भाई? 10 का। 10 का, 10 का उधर का, 13 का यहाँ। अच्छा, ज्यादा लोड दिए थे? नहीं भाई, सिंगल ही चला रहा हूँ फिलहाल तो। लेकिन मेरे को क्या लग रहा है पता है क्या, कि वहाँ अपने यहाँ पे खड्डा है, गटर का एक ओपनिंग है, तो पिछला टायर में उसमें धसा के रखता हूँ, तो जब स्टार्ट करता हूँ ना तो एक मिनट के बाद जब लेता हूँ पिकअप तो ज़्यादा देना पड़ता है, तो ऐसा मेरे को लग रहा है उस वजह से हुआ रहेगा। आप बोले ना, हाँ 10-15 हाँ 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 क्या होता है, तो मेरे को थोड़ा लगा। हाँ, क्लच का जो वायरिंग पूरा इधर पिछले के टाइम और ऐसा होता है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा, और 30 के ऊपर नॉर्मल हो रहा है, लेकिन दिक्कत है तो फिर मैं बोला ज़्यादा लंबा भी नहीं लेके जाऊँगा। नहीं, ओके, वायरिंग टूट गया है ना, तो फिर बाद में गियर को तकलीफ दे सकता। हाँ, आधा पेड़ा चलेगा फिर पूरा गियर कट जाएगा। करेक्ट। तो ये है अपना गियर। खाली अंदर ऐसे घुस जाए बस, खाली अंदर ऐसे घुस जाए बस, पीछे का सपोर्ट नहीं दिया सर। ऐसे ही चक्कर निकल गए क्या? इधर से भी जब सपोर्ट रहेगा ना, हाँ भाई, तो उसको बराबर से सपोर्ट मिलेगा, तो जल्दी खराब नहीं होएगा भाई। तो ऑयसिल वैसे सब सही है, खाली गियर ऑयल लाके और वायरिंग लाके लगा। ठीक, बेयरिंग वो वाला रहेगा ना भाई? हाँ, ये पहला वाला रहेगा या तीनों अपने को डालना पड़ेगा? नहीं, एक एक ही डालना है ना। एक ही टेढ़ा करके मार। गया क्या भाई वो? पूरा हिल रहा है, इसमें नंबर नहीं आएगा तो थोड़ा ये रहेगा, पोर्ट नंबर। नाइन टू सेवन एट वन एट है। कितना नंबर है भाई ये?
6204। अभी सेम दिख रहा है ना? बिल्कुल उतना ही है ना गोली भी उसमें? हाँ गोली उतने रहेगी। ओके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात ही है। सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात ही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है। तो उससे कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं, भाई ना बराबर होना चाहिए, सब कुछ बराबर है, सब सही है, टेंशन नहीं है। खाली इसमें फर्क क्या आता है, इसमें जेड नहीं है। अच्छा, इसमें जेड था। ओके, तो मैं निकाल दिया ना अभी। हम्म, तो जेड से कोई मतलब नहीं है। क्या जैसे कहीं बाहर लगता है ना, तो कचरा उचरा जाने का टेंशन। अच्छा, अभी इधर क्या, इधर कौन सा कचरा जाए, बराबर इसलिए मैंने निकाल दिया। ओके, अभी भाई अपने को बेयरिंग रिप्लेस हो गया है। हाँ। सिर्फ फिटिंग करना है और ऑयल अपने को डालना पड़ेगा, राइट? नया ऑयल, सो न्यू ऑयल एंड न्यू बेयरिंग। एंड गियर ऑयल की बात हो रही है, इंजन ऑयल की बात नहीं हो रही है। जैसे अभी अपन बेयरिंग बिठा रहे थे, तो कुछ लोग अभी वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे कि ये जो धूल वगैरह थी, अपन जब ठोकते हैं नॉर्मली तो धूल आ जाएगी, ये रिस्क होता है। धूल आता तो उसको क्लीन करो, क्लीन करना पड़ता, राइट? क्लीन करके लगाएंगे। तो मैंने ठोका तो धूल मट्टी गिरा नहीं, क्योंकि मैंने पहले से साफ कर लिया। बिल्कुल, कभी गिरे नहीं, फिर भी एक बार हाथ मारते रहने का। करेक्ट, ये हमारा गियर भी बैठ गया है। ये पुराना पाइकिंग है, अपने पास पाइकिंग नहीं है, लेकिन ये पाइकिंग चल जाएगा सही। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करना है, थोड़ा बॉन्ड ट्यूब लगा देने का, इधर एकदम मस्त हो जाए। अच्छा, टेंशन नहीं है। ओके, पाइकिंग अगर कटा है तो रिप्लेस है तो नहीं लगाने का, तो नया डालने का। अभी ये मैं जैसे लगा रहा हूँ, ये लगा देंगे तो कहीं अगर थोड़ा मोड़ा निकला रहेगा या कुछ भी रहेगा तो ये कवर कर लेगा। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है। चालीस पचास रुपये का मिलता है, बहुत अच्छा है। नाम क्या भाई इसका? ये पीडी लाइट कहना है। लेकिन जैसे भाई बता रहे, अगर कटा हुआ हो तो ना ही यूज़ करें, पैसे बचाने के चक्कर में ऑयल फिर लीक होता ही होगा फिर वहाँ से। और पैकिंग ही भाई कितने तक का आता होगा इसका तकरीबन? पैकिंग महंगा नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपये का पड़ेगा। ओके, कोई महंगा नहीं है, बस मिलना चाहिए। ओके, ये ट्यूब हर, देना हर गाड़ी का मिलता नहीं। क्लियर RTV MC, जैसे एक्टिव वगैरह का तो इजीली मिल जाता होगा। एक्टिव वगैरह का सब मिल जाता है, अपने पास हमेशा रहे। तो गाइस अभी जैसे निकाला गया था वही प्रोसीजर है लगाने का, तो ये मैं शूट नहीं करूँगा, जैसे निकाला है वैसे ही लगाना है। नथिंग न्यू, नथिंग डिफरेंट। अब जब ऑयल डालेंगे तब वो पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, और लास्ट में आपको बताता हूँ कि इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या होगी। वहाँ पे क्लच भी साफ कर लिया गया है, पॉलिश पेपर जैसे भाई बता रहे वो क्लीन कर लिया गया है। और वहाँ की एक बार आपको फुटेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर भाई जो है साफ कर चुके हैं। This is the thing, casing. भाई यहाँ पे भी अपन ग्रीसिंग वगैरह कर देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है गाइस, तो वो वाला मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में।
पाइप होता है देखो हवा लेने के लिए, ओके, एयर बॉक्स में एयर होता है ना जो जी जी तो फिल्टर के थ्रू निकल जाते हैं। अच्छा ये देखो, ओके ओके ये लॉक है। अच्छा ज़्यादा गिरे साइल भी नहीं चाहिए, ओके भाई, नहीं तो क्या है वो सब ऑयल निकल के इसमें आएगा फिर। ओके ये कलश जो है कलश अभी है सही है, ये कैसा बहुत लोग चलाते रहते हैं नई सर्विस कराते हैं जी, फिर इससे क्या होता है बाद में ये पूरा खच जाता है, ये लाइनर के जैसी होता है कि लाइनर के जैसी होता है सेम तीन पीस आता है। अच्छा ये इसका पुल्ली है कलच पुल्ली बोलते हैं, करेक्ट, और ये तो कम ज़्यादा होता है, हाँ ये कम ज़्यादा होता है, ये देखो ये ऐसा है जिस हिसाब से आप एक्सीलेटर देंगे वो ऐसा फैलते जाएगा। ओके ओके गाड़ी में ऐसा नहीं रहता, इधर नट ही है, ओके भाई, कलच का जो टर्न का नट है सब गाड़ी में ऐसा नहीं रहता है, ओके, इसमें ऐसा देखता है। काम ख़त्म हो चुका है, भाई बताएंगे कितने चार्जेस हुए हैं, क्लच बेयरिंग हमने चेंज किया है और ऑयल भी चेंज किया, बाकी तो कोल फिटिंग का लेबर भी हम देखेंगे भाई से। जी भाई 270 बेयरिंग का है, 270 बेयरिंग का है, ओके, 80 रुपीज़ ऑयल का है, 350 लेबर का, 350 लेबर चार्ज, 50 रुपीज़ बोन ट्यूब का, ओके, टोटल कितना हो रहा है भाई अपना, टोटल हो रहा है 750। ऑल राइट, तो ये था गाइस एप्रिलिया का क्लच बेयरिंग चेंज करने का वीडियो, आपके कमेंट्स आप बता सकते हैं नीचे कि आपको कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल फॉर मोर, बाय बाय। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है, रात को मैं गाड़ी दे दूँगा भाई कोई को, और पहले मैं यहाँ पार्क कर रहा था कुछ इस तरह से जैसे ये बाइक खड़ी है, और पीछे का टायर मैं यहाँ फंसा देता था जानबूझ के ताकि पार्किंग में दिक्कत ना हो मेरे यहाँ पे, और जब एक मिनट गाड़ी वार्म अप करने के बाद मैं स्टार्ट करता था शायद उसकी वजह से बेयरिंग पे जो है स्ट्रेस आ गया, बट नेवर्थलेस ऑल इज़ वेल नाउ।